सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डेफिनेशंस और कुछ बेसिक एग्जांपल्स, उसके अलावा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, कुछ सिंबल्स, वोल्टमीटर, एमीटर, कहाँ पे वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है, कैसे एमीटर को कनेक्ट किया जाता है, इनमें कितना कितना रेजिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है ओम्स लॉ, वो भी हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको PDF की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो। नाउ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो हमारे 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट तो लेंथ, सेकेंड एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड थर्ड वन इज द ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये कैसे डिराइव करते हैं ये मैंने आपको बताया था। आर इसमें डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम लेंथ की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों सीक्वेंसेस से आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। जब कोई भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ मींस कि लेफ्ट साइड पे अगर कुछ इंक्रीज करेगा तो राइट साइड पे वो डिक्रीज करेगा, मींस वाइस वर्सा। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। अगर आर आपका इंक्रीज कर रहा है तो लेंथ भी आपके यहाँ पे इंक्रीज करेगी। इन दोनों फॉर्मूले से डिराइव करके हमारे पास एक रिलेशन आया था, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। जब हमारे पास ये इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल था या साइन था, इसको हटाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना होता है, तो हमने यहाँ पे रो को यूज़ किया। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। आज हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, क्या इसकी SI यूनिट होती है। यहाँ रेजिस्टिविटी की मैंने 3 डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। तीनों में मतलब सेम ही है, बस वे ऑफ राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट देखिए, रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या मेजर करती है, जो कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल है उसके रेजिस्टेंस को मेजर करती है। सेकंड है, अप टू व्हाट एक्सटेंट विल द मटेरियल रेजिस्ट करंट फ्लो। रेजिस्ट का मतलब होता है कि एक करंट को रोकना, इट मीन्स कि कहाँ तक कोई भी मटेरियल एक करंट के फ्लो को रोक सकता है, तो उस चीज़ को भी हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये तीनों डेफिनेशंस है रेजिस्टिविटी की। इसके लिए फॉर्मूला मैंने ऊपर अभी बताया आपको, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसकी SI यूनिट हम इसी से डिराइव करेंगे। आर रो इधर ले गए क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी की SI यूनिट निकालनी है, तो हमने रो को इस लेफ्ट साइड पे रखा। राइट हैंड साइड पे हमारा रिलेशन आता है आर ए अपॉन में एल। आर मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा आपका ओम में होता है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि मीटर स्क्वायर में होगा, लेंथ हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। एक एम से एक कैंसिल हो गया तो आपके पास जो यूनिट बचती है वो बचती है ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, आपको उन सब फिजिकल क्वांटिटीज का नाम प्रॉपर और उसके अलावा उनकी SI यूनिट या उनको कैसे मेजर किया जाता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। अब ये हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा, अब रेजिस्टिविटी की कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट है, फॉर अ मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एरिया द रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट। सेकेंड वन इज, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, मीन्स की कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज होगा या बढ़ेगा टेम्परेचर, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी में भी चेंजेस आएंगे। मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर
टू 10^-6 ओम मीटर आर कंसिडर्स एज वेरी गुड कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर में मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया था। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। मींस कि 10^8 ओम मीटर से 10^6 ओम मीटर तक जिनकी रेंज होती है उनको हम बहुत ही अच्छा कंडक्टर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कि जो सेम कॉम्पोनेंट से बनते हैं इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। अलॉय को अभी हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अलॉय का मतलब होता है कि किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को मिक्स करके एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होना। अब जो ये क्वेश्चन है अलॉय, इसके ऊपर ये जो फिफ्थ पॉइंट है, जब हम प्रॉपर्टीज रेजिस्टिविटी की करेंगे तो उसमें ये आपका जो फिफ्थ पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा इस पर क्वेश्चन। नाउ अलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्साइड्स। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। जो अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, मीन्स कि वो एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से बर्न नहीं होते। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर टोस्टर्स एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, ये अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको मैं और डेप्थ में जाके समझाऊंगी कि क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए जो अलॉय होते हैं इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर या आयरन में टोस्टर्स में, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते, बर्न नहीं होते। तो ये डिवाइसेस हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं इसलिए हमारे लिए सेफ रहते हैं। अगर इनकी रेजिस्टिविटी कम हो तो ये बहुत जल्दी बर्न हो जाएंगे, इससे हमें हार्म पहुँचेगा। अब एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, देखिए टंगस्टन एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जब हम हीटिंग इफेक्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक बल्ब को भी पढ़ेंगे, और इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो टंगस्टन होता है वो एज अ फिलामेंट काम करता है। मीन्स कि जब करंट फ्लो होता है, हम स्विच ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जो ये टंगस्टन वाला पोर्शन होता है ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, और इसी पूरी हीट यहीं पे एब्जॉर्ब होती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो बल्ब होता है वो शाइन करने लग जाता है, क्योंकि इसमें हम ऑर्गन गैस भरते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद में जो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे दो कॉम्बिनेशन में, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो मैक्सिमम इफेक्टिव होता है, और अगर पैरेलल होता है तो आपका मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें देखिए मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है, ये की क्लोज है, बैटरी यहाँ पे एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, और ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। ये करंट फ्लो हो रहा है, जो ये एरो है ये डायरेक्शन है करंट की। अब क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट कह दीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे तो हमने क्या लिया, थ्री कंडक्टर्स या फिर रेजिस्टेंस। ये जो R1, R2, R3 है यहाँ पे हमने ये तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, चाहे आप कंडक्टर्स बोलिए कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये तीन लिए हमने, आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये एक एग्जाम्पल है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है वी इक्वल्स टू आई आर। वी वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट हो गया, और आर रेजिस्टेंस। द करंट आई फ्लो फॉलोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। अब जब ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर है, इसमें आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेजिस्टर पे ईच एंड एवरी R1 पे अलग होगा, R2 पे अलग होगा, R3 पे अलग, तो वो रेजिस्टर चेंज हो जाता है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा सेम रहेगा। अब इसमें देखिए वी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है, ये इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस कि जो वी है वो
टाइम उनके साथ चेंज होता जाएगा, बट जो करंट है वो हर एक सिचुएशन में सेम रहेगा। तो अब हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी तीन ही लेने होंगे, V1, V2 एंड V3। ये हम कैसे निकालते हैं, V1, V2 एंड V3 मीन्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकालने के लिए आप वोल्ट मीटर को ऐड कर देंगे। एम मीटर इसमें ऑलरेडी था जो कि सीरीज में होता है। जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो हमें पता है वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल में लगता है, तो R1 के पैरेलल में आपने लगाया V1, फिर जब आपको R2 का निकालना होगा तो इसके पैरेलल में, R3 का भी इसके पैरेलल में। तो इस तरीके से 1 by 1 हम एक एक पैरेलल में ऐड करते जाएंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे V = IR1, यहाँ पे V1 मींस की जो R1 रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही सेकेंड के लिए, देन थर्ड के लिए। हमारे पास तीनों डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ गए हैं। अब इसमें आप देखिए I आपका तीनों में सेम है, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I, ये तीनों I सेम है क्योंकि जो करंट फ्लो रहता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी बात करते हैं टोटल, तो टोटल का मतलब क्या होता है, सबको ऐड कर देना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोला है तो V1, V2 प्लस में V3, तीनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए V की जगह पे क्या आएगा, IR, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, तो V की जगह आपने क्या लिया, IR। देन V1 की जगह पे IR1 प्लस में V2, IR2 प्लस में V3, IR3, तो ये तीनों आपने लिए। देन हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है I, जब हम कॉमन ले लेंगे तो R1, R2 एंड R3, ये I कॉमन लेने से जब I इधर आएगा तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे सिर्फ R बचेगा। तो ये हमारा लास्ट में फाइनल फॉर्मूला आता है। अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है RS = R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये आपका नेट रेजिस्टेंस है, इंक्रीज करेगा जितने ज़्यादा इसमें रेजिस्टर्स कनेक्ट होते जाएंगे। ये हमारे थ्री रेजिस्टर्स के, जब हमने तीन रेजिस्टेंस ऊपर लिए तब उस टाइम पे था। अगर आपके पास यहाँ पे 3 की जगह 4, 5, 6 कितने भी हो आप इस चेन में ऐड करते जाएंगे। तो ये तो हमारा कंसेप्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा था, सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है। इन दोनों कंसेप्ट पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसको हम कुछ एग्जांपल्स से करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं इस चैप्टर की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। अभी जितनी भी मैंने इस चैप्टर की वीडियोज़ बनाई हैं, जितना भी हमने इस चैप्टर को करा है उसमें सारा हमने थ्योरी पोर्शन करा है और जितने भी फॉर्मुलेज थे वो सब। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स प्लस में ये जो जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मुलेज हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो में दोबारा से डाल दूंगी, ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सेम हम ऐसे ही सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका एमीटर हो गया, यहाँ पे की क्लोज है, ये बैटरी हो गई, ये करंट फ्लो कर रहा है। जब सीरीज की बात करी थी हमने तो ये ऐसे सीक्वेंस में ऐड हुआ था, बट जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लेते हैं तो ये एक के ऊपर एक आ जाता है, R1, R2 एंड R3। सेम पहले वाले की तरह कंडीशन आप लिख सकते हैं, ये R1, R2, R3 की जगह आप रेजिस्टेंस ना लेके कंडक्टर भी ले सकते हैं। हमारे पास थ्री रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। सेम हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। अब इसमें ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा था उसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कभी भी जो आपका करंट है, अगर सीरीज में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आते हैं, करंट में चेंजेस नहीं आते। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस में ऐड हो रहा है, पैरेलल में, तो यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स है ए बी, ये तो हर बार सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे ही सेम पैरेलल में निकालने के लिए हमने क्या ऐड किया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस में ऐड होता है, पैरेलल में, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए I1, I2 एंड I3, हमारे पास तीन डिफरेंट करंट्स है क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस भी तीन ही है। I1 = V/R1, I2 = V/R2 एंड I3 = V/R3, ये आपके तीन रेजिस्टेंस करंट के साथ हो गए। अब लास्ट में हमने जब सीरीज पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल किया था, अब इसमें हम टोटल करंट लेंगे। टोटल करंट के लिए फॉर्मूला है आपका I = I1 प्लस में I2 एंड I3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR है, तो अगर हमें सिर्फ I की वैल्यू चाहिए तो V/R हो जाएगा। I की जगह आपने क्या लिखा, V/R, देन I1 V/R1,
प्लस में वी अपॉन में आर टू प्लस में वी अपॉन में आर थ्री। वी कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन में आर वन, वन अपॉन में आर टू, वन अपॉन में आर थ्री रह जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद में ये वी इधर की साइड आएगा तो वी से वी कैंसिल, वन अपॉन में आर बचेगा। वन अपॉन में आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन में आर थ्री। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आता है। सो जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल वन अपॉन में आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन में आर थ्री। और अगर आपके रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाते हैं आर फोर आर फाइव आर सिक्स तो भी आप उसको ऐसे ही चेन में लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सीरीज में लेते हैं तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करेंगे, और अगर हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करना है तो वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन आर थ्री इस तरीके से ऐड करेंगे। अब इसमें जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस करता है जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हैं, और इंक्रीज किस सिचुएशन में करता है जब आपके रेजिस्टर्स सीरीज में ऐड होते हैं। यहाँ पे आपका वन मार्कर क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है कि किस सिचुएशन में रेजिस्टेंस रिड्यूस करता है और किस सिचुएशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये क्वेश्चन है, अगर हम सीरीज कनेक्शन, हमने सीरीज भी पढ़ा और पैरेलल में पढ़ा है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सारी चीज़ें जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जितने भी घर में हमारे अप्लायंसेस होते हैं, अगर सबको सब में जो करंट फ्लो हो रहा है और जो सर्किट बन रहा है अगर वो सर्किट सीरीज में हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमें। तो देखिए इसमें फर्स्ट देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ कॉम्पोनेंट फेल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कॉम्पोनेंट एग्जाम्पल टीवी बल्ब फैन विल वर्क। अगर हमारी सारी चीज़ें किस में कनेक्ट होंगी, सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक, तो अगर एक में खराबी होगी तो बाकी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल देखिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, इन केस अगर कोई भी एक कॉम्पोनेंट या सर्किट ब्रेक हो जाता है तो जितने भी कॉम्पोनेंट्स होंगे, फिर चाहे आपका टीवी हो बल्ब हो फैन हो, वो उनमें से कोई भी वर्क नहीं करेगा जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। इसलिए जो डोमेस्टिक लेवल पे हम अर्थिंग करते हैं या जो सर्किट्स होते हैं उनको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि अगर एक फेल भी हो जाए तो पूरा सारा सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कई बार क्या होता है फ्यूज़ उड़ जाता है या फिर घर में कोई ऐसा अप्लायंस है जो ख़राब हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर स्विच में खराबी आ जाती है, तो उसे ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे घर की लाइट उड़ गई है, क्योंकि हमारे पास जो घर पे हम जितने भी सर्किट्स बनाते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल फॉर्म में होते हैं। तो जिस एरिया में या जिस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आई है सिर्फ वहीं पर डिफेक्ट दिखता है, बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए हम सीरीज की बजाय हम किस में प्रेफर करते हैं, पैरेलल में। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन अ सीरीज। अब देखिए बल्ब और हीटर दोनों को हम सेम उसमें नहीं डाल सकते, मींस कि सीरीज में नहीं डाल सकते, क्योंकि दोनों को ऑपरेट करने के लिए हमें करंट क्या चाहिए होता है, अलग अलग चाहिए होता है। अब देखिए हमें इतना पता है कि अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो 240 वोल्टेज की सप्लाई हमारे सबके घरों में होती है, बट सबके घर में डिवाइसेस अलग अलग होते हैं, और हम एक ही घर की बात करें तो उसमें भी डिवाइसेस अलग अलग होते हैं। एसी अलग वोल्टेज पे चलेगा, रूम हीटर अलग वोल्टेज पे, फैन बहुत ही कम उस पे चलता है, मोबाइल चार्ज अलग वोल्टेज पे। तो ये सारे अप्लायंसेस अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग करंट लेते हैं, तो अब इन सबके लिए सेम करंट नहीं चाहिए। तो कुछ अगर ज़्यादा वोल्टेज वाले होंगे उनको अगर आप कम वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो वह वैसे भी नहीं चल पाएंगे, इसलिए भी सीरीज में इनको कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल में आपको बल्ब और हीटर दे रखा है क्योंकि दोनों का जो वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। देन कंक्लूजन देखिए, हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट। इसलिए हम डोमेस्टिक लेवल पे मींस कि अपने घर में हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, पैरेलल सर्किट को यूज़ करते हैं बजाय कि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे एंड पावर, जो इस चैप्टर के लास्ट के दो टॉपिक्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे दे रखे हैं, जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएंगी। तो एक चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देख के स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, और स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए। एंड आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ में आ रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।